नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जोशीमठ में भूधसाव आपदा में अब तक 9 वार्डों में 849 भवन प्रभावित हुए हैं, जिसमें दरारें मिली है। वहीं अब तक 181 भवन असुरक्षित मिले हैं। करीब 258 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। आवासीय भवन सीबीआरआई रुड़की के टीम द्वारा वर्तमान समय में हो रहे भूधसाव के कारण असुरक्षित घोषणाएं किए गए हैं। साथ ही सीबीआरआई रुड़की द्वारा उक्त भवनों को लेकर डिमोलिश कैटेगरी में रखा गया है, जिस कारण उक्त भवनों को डिसमेंटल किया जाना आवश्यक बताया जा रहा है। भवन के स्वामियों के द्वारा भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए अपनी लिखित सहमति प्रदान की गई है। सेक्टर अधिकारी द्वारा उक्त भवन स्वामियों से भवनों के ध्वस्तीकरण की सहमति प्राप्त करने के लिए कही गई है। और बता दें कि लगातार जोशीमठ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भूधसाव के कारण कई वार्डों में अब तक कई घर जो है घरों में दरारें आ चुकी हैं। और आप तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर भूधसाव के कारण घरों की क्या स्थिति बनी हुई है। 849 भवन जो है 849 भवन को प्रभावित हुआ है। और इस दौरान जिसमें बता दें कि अब तक 181 भवन में असुरक्षित मिले हुए हैं। बता दें कि करीब 258 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। और आवासीय भवन सीबीआरआई रुड़की की टीम द्वारा वर्तमान समय में हो रहे भूधसाव के कारण असुरक्षित घोषित की गई है, जिसके बाद से ज़्यादा भूधसाव की स्थिति को देखते हुए और घरों में दरारें आने के कारण वहाँ के लोगों को वहां से जाने के लिए कहा गया है। और साथ ही बता दें कि भूधसाव के कारण काफी दयनीय स्थिति जोशीमठ की देखने को मिल रही है। वहीं लक्षर के सुल्तानपुर में ड्रग्स विभाग के द्वारा मेडिकल संचालकों की बैठक ली गई, जिसमें खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने भाग लिया है। उनके द्वारा मेडिकल स्वामियों को कई तरह के सुझाव और दिशा निर्देश दिए गए हैं। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया है कि ड्रग्स विभाग द्वारा इस तरह की बैठक प्रति 6 महीने में अंतराल की जाती है। सुल्तानपुर में भी सभी मेडिकल स्वामियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें दवाइयों के रखरखाव लेकर मेरे कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। साथ ही सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि नार्कोटेक्स दवाइयों का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। सभी मेडिकल स्वामियों को अपने मेडिकल में कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। वहीं बता दें कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा नार्कोटिक्स दवाइयों को बेचा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की जाएगी। ये बात लगातार की गई है। और साथ ही बता दें कि इस दौरान नार्कोटिक्स या प्रतिबंधित दवाइयों को बेचता हुआ अगर कोई पाया गया तो उसकी सूचना तत्काल मुझे दे दी जाए, मेरे द्वारा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार इस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो है सुल्तानपुर में यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी। ये हर साल यहाँ पे 6-6 महीने में मीटिंग होती है। मोस्टली मेरे द्वारा यहाँ के जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उनको जितनी भी दवाइयों के रखरखाव से और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी सावधानियाँ होती हैं वो बताई जाती हैं कि कैसे दवाइयों का वितरण करना है और कैसे दवाइयों को स्टोरेज करना है। आज यहाँ पर इन सभी को आदेश दिए गए हैं कि कैमरे सभी को लगाने हैं, नार्कोटिक दवाइयों का बिल्कुल भी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनका मिसयूज नहीं होना, और अगर कहीं पर भी कोई गलत होता हुआ कोई भी जो है अपरिचित व्यक्ति द्वारा अगर कहीं पर दवाइयों का विक्रय किया हुआ पाया जाता है तो मुझे सूचित करते हुए उस पर कार्रवाई की जाए। अब खबर कोटद्वार से है, जहां पर राजकीय बैस चिकित्सालय कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बता दें कि निर्मित आवासीय ब्लॉक का लोकार्पण किया है। इसमें अब कोटद्वार अस्पताल के ड्यूटी कर रहे स्टाफ को लेकर अस्पताल परिसर में रहने की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार अस्पताल में बता दें कि ट्यूमर मार्क मशीन का भी उद्घाटन किया है। इस मशीन के आने से अस्पताल में अब थायराइड कैंसर के साथ ही 16 जांच के साथ मिल सकेगा, जिससे कोटद्वार के लोगों को जांच कराने के लिए शहर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
हॉस्पिटल कोटद्वार पहुंची और यहां पर दो चीज़ों का हमने उद्घाटन किया। एक 10 घरों का एक ब्लॉक बना है यहां पर फॉर डॉक्टर्स के रहने के लिए मकान बने हैं, 10 उसमें यूनिट्स हैं, तो आज उसका एक उद्घाटन था। और दूसरा एक ट्यूमर मार्कर मशीन इन पैथोलॉजी, जिसमें थायराइड से लेकर और कैंसर अगर डिटेक्ट हो रहा है आपके ब्लड टेस्ट से ही, मात्र 2 घंटे में आपको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो होती है, जो शुरुआती रिपोर्ट होती है, वो आपको मिल जाएगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो हम चाह रहे हैं कि लोगों को सुविधा हो, कोटद्वार में लोगों को सुविधा हो, एकदम से बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े, उस तरह का प्रयास शुरू हुआ है। तो मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। और रितु खंडूरी को आप सुन रहे थे। किस तरीके से बता दें कि कोटद्वार में राजकीय बेस्ट चिकित्सालय का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के द्वारा किया गया है और इस दौरान नवनिर्मित आवासीय ब्लॉक का लोकार्पण किया गया है। और अब कोटद्वार अस्पताल में ड्यूटी कर रहे स्टाफ को अस्पताल परिसर में ही रहने की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार अस्पताल में ट्यूमर मार्कर मशीन का भी उद्घाटन करती नजर आई है। इस मशीन के आने से अस्पताल में अब थायराइड कैंसर के साथ ही अन्य 16 जांच एक साथ हो सकते हैं और इसको लेकर वहां के मरीजों को भी काफ़ी सुविधा मिलेगी। और देखिए किस तरीके से तस्वीर वहां की, जहां रितु खंडूरी इस का उद्घाटन करती भी नजर आ रही है। और बता दें कि वहाँ पर अस्पताल में अब तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है वहाँ के स्टाफ के लिए। उन स्टाफ को अब अस्पताल में ही रहने की सुविधा की गई है, साथ ही इस दौरान अस्पताल में मशीन की व्यवस्था भी की गई है। और ये बता दें कि ये ट्यूमर मार्कर मशीन है, इसका उद्घाटन रितु खंडूरी करती हुई नजर आई है। और इस दौरान इस मशीन के आने के बाद से 16 जांच एक साथ हो सकेंगे और इस दौरान थायराइड कैंसर जैसे तमाम जांच हो पाएंगे, जिसको लेकर मरीजों को अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहां पर अस्पताल में उनके काफ़ी अच्छे तरीके से जांच की जाएगी, क्योंकि इस मशीन के द्वारा 16 जांच जो है एक साथ की जा सकती है और इसमें कोटद्वार के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद से बता दें कि इस दौरान रितु खंडूरी ने तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी दिए हैं और साथ ही उद्घाटन करते हुए उन्होंने कई बातों को साझा किया और किस तरीके से इस मशीन के द्वारा लोगों को किस तरीके से सुविधा मिलेगी और इस मशीन से मरीजों को किस तरीके से अब कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर ही वे अपना इलाज आसानी से करा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देते नजर आई। गुमानी नगर में बता दें कि ग्रामीणों ने जनसभा कर रहे वहां बनाए जा रहे ट्रीचिंग ग्राउंड का पुरजोर विरोध करती नजर आई है। सरकार द्वारा जबरदस्ती थोपे जाने पर और उग्र आंदोलन करने की सरकार की चेतावनी दी गई है सरकार को। और साथ ही बता दें कि इस दौरान बुधवार को गुमानी वाला स्थित अमित ग्राम शहीद स्मारक में ग्राम प्रधान गुमानी वाला दीपिका व्यास की अध्यक्षता में ग्रामीणों को बता दें वृहद बैठक आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने लाल पीला बीट के बीट में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए जाने का एक स्वर में विरोध किया है और कहा है कि यदि यहां पर ऋषिकेश मुनि की रेती और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कूड़ा डाला गया तो ग्रामीणों एक स्वर में इसका विरोध करेंगे। इस दौरान कूड़ा हटाओ विरोध संघर्ष समिति के पुरुषोत्तम बडौनी ने एक सप्ताह के अंदर ही समस्या का समाधान न किए जाने पर शहरी विकास मंत्रालय प्रेमचंद अग्रवाल का घेराव करते हुए उन्होंने चेतावनी देते हुए नजर आए। और बता दें कि यहां पर उग्र आंदोलन एक देखने को मिल रहा है। गुमानी वाला की यह तस्वीर है जहां पर ग्रामीणों ने जनसभा करते नजर आए और ट्रीचिंग ग्राउंड का पुरजोर विरोध करते हुए नजर आए हैं। साथ ही इस दौरान उनका ये कहना है कि सरकार द्वारा ज़बरदस्ती थोपे जाने पर और उग्र आंदोलन करने पर सरकार को चेतावनी दी जा रही है। साथ ही बता दें कि गुमानी वाला स्थित अमित ग्राम शहीद स्मारक में ग्राम प्रधान गुमानी वाला दीपिका व्यास की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने वृहद बैठक आयोजित की है। बैठक में वक्ताओं ने लाल पीला बीट में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए जाने को लेकर एक स्वर में विरोध किया और कहा कि यदि यहां पर ऋषिकेश
मुनीर के रेती और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कूड़ा डाला गया तो ग्रामीण एक स्वर में इसका विरोध करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान बता दें कि कूड़ा हटाओ विरोध संघर्ष समिति के पुरुषोत्तम बरडोनी ने एक सप्ताह के अंदर समस्या के समाधान न किए जाने पर चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का उन्होंने घेराव किया और चेतावनी दी है कि इस तरीके की जिस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। और बता दें कि ये तस्वीर आप देखें किस तरीके से वहां पर एक उग्र आंदोलन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लोगों में कितना गुस्सा है और इस गुमानी वाला की ये तस्वीर है जहां पर ग्रामीणों ने ये प्रदर्शन किया है और साथ ही ट्रेचिंग ग्राउंड का पुरजोर विरोध करते हुए नजर आए। सरकार द्वारा ज़बरदस्ती थोपे जाने और साथ ही उग्र आंदोलन करने की चेतावनी वो देते नजर आए हैं। और इस दौरान बता दें कि अमित ग्राम शहीद स्मारक में ग्राम प्रधान गुमानीवाला दीपिका व्यास की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने वृहद बैठक आयोजित की थी, जिसमें बैठक वक्ताओं ने लाल पाली बीट में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए जाने का एक स्वर में विरोध किया। और यह तस्वीर देखिए किस तरीके से उग्र आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ के लोग। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर गुमानीवाला में ग्रामीणों ने टीचिंग ग्राउंड का पुरजोर विरोध किया है और साथ ही सरकार द्वारा ज़बरदस्ती थोपे जाने और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते नजर आए हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी है कि उनका अगर मांग पूरा नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन कर सकते हैं। और जिस तरीके से देखा आपने किस तरीके से ग्रामीण विरोध करते हुए नजर आए हैं और सरकार को उन्होंने चेतावनी भी दी है कि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। लेखपाल पटवारी पेपर लीक मामले में आपको बता दें कि SIT द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। कल शाम देर तक चली पूछताछ के बाद हरिद्वार SSP और साथ ही SIT के पर्यवेक्षक अजय सिंह का कहना है कि पेपर लीक मामले में अभी तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 7 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर लगाई गई है और कल आयोग से भी जानकारी जुटाई गई है। कर्मचारियों के साथ SIT, LIU और साथ ही लोकल इन्वेस्टेड द्वारा लोक सेवा आयोग पर नजर रखी जा रही है। जितने भी कर्मचारी हैं सभी का डाटा मांगा गया है, भविष्य में कोई भी परीक्षा हो तो उसे ऐसी चूक ना हो, इसके लिए हर पहलू पर जांच की जा रही है। SIT द्वारा विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं छात्रों को बुलाकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो भी अन्य अभियुक्त इस मामले में शामिल थे उसे तलाश के लिए टीम लगा दी गई है और आने वाले दिनों में जो पटवारी पेपर लीक मामले में शामिल है सभी का पर्दाफाश होगा और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी, ये बात कही गई है। देखिए इसमें कुल अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें 7 जो अभी गिरफ्तार थे उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। और इसमें जो है कल जो है SIT टीम द्वारा जो है इसमें आयोग में भी जाकर जो है अन्य चीज़ों की जानकारी की गई है। सुरक्षा के क्या आगे उपाय रहेंगे जिससे कि ऐसी कोई भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो पाए, इसमें आयोग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ SIT टीम ने मीटिंग भी करी थी जिसमें मैं भी शामिल था और साथ ही साथ वहां पर एक डिप्लॉयमेंट जो है हमारे जो LIU जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसका भी कर दिया गया जिससे कोई अवांछनीय या ऐसी कोई गतिविधि पर नज़र भी रखी जा सके। सभी जितने भी कर्मचारी हैं सभी का डेटा वगैरह मांग लिया गया है जिससे आगे भविष्य में कोई भी परीक्षा हो तो उसकी शुचिता भी बनी रहे। साथ ही साथ विवेचना को आगे SIT बढ़ा रही है, इसमें जो हमें साक्ष्य मिले हैं जो हमें छात्रों के ऑलमोस्ट वेरीफाई कर लिया हमने काफ़ी सारे छात्रों को तो उनको भी अब बुला के उनके बयान दर्ज किए जा की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जा रही है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे अन्य अभियुक्त जो इस घटनाक्रम में कहीं शामिल थे वहाँ पर उनकी भी तलाश के लिए टीम को लगाया गया। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो इस षड्यंत्र में शामिल रहे हैं परीक्षा लीक में शामिल रहे सभी का पर्दाफाश होगा। साथ ही साथ अगर कहीं किसी अन्य किसी की संलिप्तता भी पाई जाएगी चाहे वो आयोग के बाहर हो चाहे अंदर हो चाहे किसी भी पद पर हो वो सबके खिलाफ इसमें शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इंतजार रजा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इंतजार रजा, जिस तरीके से ये पेपर लीक मामला सामने आया था और इस मामले पर कल से पुलिस प्रशासन सख्त नजर आई है और इस मामले को लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है, अब किन किन पहलुओं पर पहले प्रशासन जांच करती हुई नजर आएगी और किस तरीके से इस मामले को प्रशासन जल्द से जल्द सुलझाएगी? आवाज आ रही है आपको?
और बता दें कि पेपर लीक मामला को लेकर कल से जांच शुरू कर दी गई है और इस दौरान 8 की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी इस मामले को लेकर, लेकिन अब प्रशासन इस मामले को और भी बारीकी से जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी। बता दें कि उत्तराखंड में आए दिन पेपर लीक के कई मामले सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से ये पेपर लीक मामला सामने आया था, जिसको लेकर लगातार प्रशासन जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और इस दौरान आरोपियों को तलाशने में लगातार प्रशासन जुटी हुई थी। इस दौरान बता दें 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस पेपर लीक मामले में जो जिस तरीके से प्रशासन जो है कल से उसने जांच शुरू की है और इस मामले पर प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना था कि हर पहलुओं पर बारीकी से जांच की जाएगी, जो आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में पेपर लीक मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इस मामले को लेकर जो छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, इसको लेकर प्रशासन और सरकार काफ़ी गंभीर नजर आई। इस दौरान उनका ये कहना था, सरकार की तरफ से भी ये बातें सामने आई थी कि जिस तरीके से इस मामले को लेकर छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है और ये मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, इसको लेकर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा कानून की व्यवस्था की जाएगी जिसको लेकर जो आरोपी है इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले भी वो सोचने पर मजबूर हो जाए। और इस मामले को लेकर अब तक 8 की गिरफ्तारी हो गई है और प्रशासन इस मामले को लेकर काफ़ी चिंतन विषय करके इस मामलों को सुलझाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस मामले को लेकर जो मेन आरोपी है उसको पकड़ने में प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है, क्योंकि इस तरीके के उत्तराखंड में ऐसे कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और इसको लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रही है। और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और साथी कर्मियों के लिए 4 दिवसीय कार्यशाला का जिला पंचायत सभागार में शुभारंभ किया गया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष रचना बुटोला ने बताया है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मिकों के लिए 9 बिंदुओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर स्वस्थ ग्राम और साथ ही जल पर्याप्त गांव, आत्मनिर्भर गांव आदि बनाने के लिए सभी को परीक्षण दिया जा रहा है ताकि ग्राम पंचायतों का विकास हो सके। वहीं अपर मुख्य अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया है कि ग्राम पंचायतों में विकास करने को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण इलाकों में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य आदि को लेकर सभी सुविधाएं मुहैया हो सके और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे पलायन पर अंकुश लगाया जा सके। उत्तरकाशी जनपद के मौरी तहसील के अंतर्गत दलित युवक के साथ मारपिटाई के मामले में उत्तराखंड अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने मौरी क्षेत्र का भ्रमण किया है और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, साथ ही वहां पर मौजूदा हालों तक जायजा लिया है। आयोग ने अध्यक्ष ने कहा है कि मौरी क्षेत्र में अब स्थिति सामान्य है, कुछ बाहरी लोग मौरी में आकर क्षेत्र का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, कानून अपना कार्य कर रहा है, चाहे कोई कितना भी बड़ा दबंग और पावर वाला क्यों ना हो, उसके प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी और निर्दोष के प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरी जानकारी में आया है कि आजकल भीम आर्मी के कुछ लोगों ने मौरी क्षेत्र में माहौल खराब करने के लिए अधिकारियों के समक्ष अंतर्गत बयानबाजी की है, हो तो ये चाहिए कि तत्काल उनकी उसी समय अरेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन अब उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, पुलिस विवेचना कर रही है और अपना कार्य कर रही है। उत्तराखंड में हमारे मंदिर आस्था का प्रतीक है, यदि कोई उसके बारे में उल्टा अंतर्गत बयानबाजी करता है तो वे काफी निंदनीय होगा। उत्तराखंड में आज से ही मौसम का मिजाज बदलेगा। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बता दें कि तीनों जिलों में 20 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के संभावना विभाग ने जताई है। 23 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरे उत्तराखंड में जोरदार बारिश के साथ ही पहाड़ों में बर्फबारी के अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। अगले 24 घंटे उधम सिंह नगर और साथ ही हरिद्वार जिले में शीतलहर के साथ ही घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। वही 23 जनवरी को अगले 4 दिन मैदानी से लेकर पहाड़ी तक जोरदार बारिश के साथ ही उच्च हिमालयी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है।
चलिए अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।